आज हम बात करने वाले हैं, ये पुराना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है बोर्ड का। यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है, मेन स्विच लगा हुआ है, उसमें फ्यूज़ लगा हुआ है। ये पुराना सिस्टम लगा हुआ था, इसको पूरा चेंज करना है। हम उस सब AMC फ्यूज़ लगा हुआ है वो सबको निकाल के उसमें MCB लगाने वाले हैं, 10 एम्पेयर की MCB लगाने वाले हैं। और नीचे जो हमारा मेन स्विच लगेगा वो हम लगाने वाले हैं 40 एम्पेयर की। तो यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया है, तो हमने इसको पूरा खोल दिया है। इसको खोलने के बाद हम इसको पूरा वायरिंग नए तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे नीचे जो केबल है वो जो टोरेंट का पावर आ रहा है उसका केबल है। यहाँ पे मीटर लगेगा, वो सब यहाँ टोरेंट वाले लगाएंगे। हमको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड को लगाना है। उसके लिए ये हम सब फ्यूज़ को सबको निकाल के हम सबको एक एक MCB लगा देंगे, कनेक्ट कर देंगे इसके अंदर। तो इसको कनेक्ट करने के बाद हमने देखिए, हमने कनेक्ट किया है तो इसमें हमको 10 सर्किट मिली है। हमने 10 MCB लगाए हुए हैं, 10 MCB। और नीचे जो दिखाई दे रहा है वो मेन उसका MCB लगा हुआ है, 3-4 पोल का है, 4 पोल 3-phase 4 wire का MCB लगा है। ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, 10 सर्किट लगाई गई है इसमें।